अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आप सबको बताएं कि क्लास 10th और 11th के रिजल्ट्स आने वाले हैं, राइट? तो आई कैन अंडरस्टैंड इट्स बिट डिफिकल्ट जब रिजल्ट का फेज होता है, जब रिजल्ट आने वाले होते हैं, तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, मतलब एंग्शियस हो जाते हैं, ओवरथिंक करने लगते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, हमारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मतलब रिलेटिव्स क्या सोचेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर एक इंसान का नसीब ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है? देखो, अगर आप अभी ओवरथिंक करोगे, मैं क्लास 10th और 11th के बच्चों से बात कर रहा हूँ, अगर आप अभी ओवरथिंक करोगे, देखो ओवरथिंक करने से ना ही आपका रिजल्ट चेंज होने वाला है, जो आपने वहाँ पे पेपर में लिखा है वो सेम टू सेम वही रहने वाला है, मतलब अब तो बस आपके रिजल्ट्स अपलोड होने हैं, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। अगर आप अभी रोना स्टार्ट करोगे, अगर आप कुछ भी किसी भी किस्म का टेंशन लेना स्टार्ट करोगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बोर्ड एग्जाम्स है इसके मार्क्स कहीं पर मैटर करते नहीं है, ठीक है? खासकर अगर हम 10th और 11th की बात करें, 10th के मार्क्स हम एज ए डीओ भी लेते हैं, ठीक है? चाहे आपके जितने भी मार्क्स आए ना, उसमें शुक्र पढ़ लेना और ये ठान लेना कि हमारा जो 11th क्लास है उसमें हम अच्छे से मेहनत करेंगे, बिकॉज क्लास 11 से आपकी असली वाली जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? अब अगर हम क्लास 11 की बात करें, उसका तो पहले बोर्ड एग्जाम ही नहीं होता था, बोर्ड एग्जामिनेशन इसलिए रखा गया ताकि बच्चे थोड़ा 11th क्लास को भी सीरियसली ले, राइट? तो इस बात पे कोई भी टेंशन नहीं लेना कि हमारे 10th में कितने मार्क्स आएंगे, हमारे 11th में कितने मार्क्स आएंगे। हाँ, होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है अपनी भी, लेकिन अब मैं ये बता रहा हूँ, अगर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मार्क्स ना आए तो उस चीज पे मेहरबानी करके कोई भी टेंशन नहीं लेना, शुक्र पढ़ना, अल्लाह ताला ने उस सब में बेहतर लिखा होगा। हर एक चीज जो हमारी लाइफ में होती है, हर एक चीज में अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ बेहतरी लिखी होती है। यही रिक्वेस्ट है मेरी, किसी भी बात की टेंशन नहीं लेना, ये नहीं सोचना कि घर वाले क्या सोचेंगे, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद को मेंटली स्टेबल करना है, तो इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं आप सोचोगे। और कमेंट्स में हर एक बच्चे का मुझे ये चाहिए कि इंशाल्लाह आई विल शाइन, ओके? बाकी हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।